हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार एक बार फिर हाजिर हूं अपने एक नए टॉपिक के साथ। जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे बटन पे क्लिक करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। इस बार का जो मेरा टॉपिक है वो है नेशनल सेफ्टी डे का हिस्ट्री क्या है, कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्यों मनाते हैं और उसका थीम कैसे डिसाइड किया जाता है, उसका पर्पज क्या है, एम क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसको आते हैं उसके हिस्ट्री पे कि नेशनल सेफ्टी डे कब बनाया गया, क्यों बनाया गया और उसका क्या पर्पज था। तो सबसे पहले जो नेशनल सेफ्टी डे का जो प्रचलन में आया वो आया 1962 में जो 22वां जो लेबर का एक बैठक होता है ना, कॉन्फ्रेंस होता है, लेबर कॉन्फ्रेंस का जो बैठक था उसमें 1962 में ये जो 22वां अधिवेशन था उसमें सबसे पहले इस बात की अहमियत को समझा गया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाए, ऐसा एस्टेब्लिश किया जाए जो ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी तरह का जो एक्सीडेंट होता है, जो लॉसेज होते हैं उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ वो हमेशा प्रयत्नरत रहे ताकि उस चीज़ों को बचा सके। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो प्रचलन में आया वो आया 1962 में। ठीक है, इसका फिर उसके बाद ये आपका जो 24वां अधिवेशन जो हुआ था जो फरवरी 1966 में ये एक फिर जो कॉन्फ्रेंस हुआ, लेबर कॉन्फ्रेंस, वो मिस्टर जगजीवन राम जी के अध्यक्षता में हुआ, जिस मिस्टर जगजीवन राम जी के अध्यक्षता में हुआ और उस कमेटी में एक जो उसका फॉर्मुलेशन था उसको सबमिट किया गया। उस कमेटी में कितना था, 1966 में जगजीवन राम जी के अध्यक्षता में उसको एक जो फॉर्मुलेशन था उसको सबमिट किया गया कि इस कमेटी को, काउंसिल को ऐसे बनाया जाए ताकि वो प्रॉपर काम कर सके। ठीक है, फरवरी 1966 में हुआ, इसको एस्टेब्लिश किया गया ताकि वो उसको एक कॉन्फ्रेंस में उसको रखा गया ताकि उसको बनाया जा सके। फिर फोर्थ मार्च 1972 में इसका पहला वर्षगांठ मनाया गया, क्योंकि फोर्थ मार्च 1971 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। और फर्स्ट वर्षगांठ 1972 में इसका मनाया गया। ठीक है, अब इसका मेन पर्पज क्या होता है, मेन पर्पज क्या है नेशनल सेफ्टी काउंसिल का, मेन पर्पज क्या है? तो इसका मेन पर्पज है अवेयरनेस क्रिएट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना थ्रू वर्कर को थ्रू ट्रेनिंग, एम्प्लॉयर को अवेयरनेस क्रिएट करना, कंपनी को अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना ताकि किसी भी तरह के नुकसान से, एनी लॉस से इसको बचाने के लिए इसका मेन पर्पज होता है प्रिवेंशन फ्रॉम एनी लॉस, किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए जो भी हम सुझाव दे सकते हैं वो देने का काम करती है। वो अपना लॉ के अनुसार चाहे किसी भी तरह के ट्रेनिंग के अनुसार अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती है ताकि हम किसी लॉस को बचा सके, ह्यूमन लॉस, प्रॉपर्टी लॉस, एनवायरमेंटल लॉस, किसी भी तरह के लॉस से इसको बचा सके। उसके लिए वो क्या करती है, अवेयरनेस क्रिएट करती है, अवेयरनेस फैलाती है कि भाई इस तरह का आप काम करें ताकि हम उसको
अपने आप को और आगे बेहतर कर सकें, क्योंकि अगर किसी तरह का लॉस होता है तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट को पूरे हर चीज का लॉस होता है, कंपनी का लॉस, सोशल लॉस, एनवायरमेंटल लॉस, गवर्नमेंट का लॉस, पूरे मनुष्य जाति का लॉस। उस लॉस को बचाने के लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। अब आता है कि थीम कैसे क्रिएट होते हैं, थीम कैसे बनाए जाते हैं। हर साल जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल होती है, NSD जो है, ठीक है, नेशनल सेफ्टी डे से जो सेलिब्रेट किया जाता है, उसके लिए नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है NSC, वो एक थीम, हर साल एक नया थीम बताती है कि इस साल हमारा ये थीम रहेगा। वो थीम कैसे बनता है, थीम तो जो भी उस समय का ज्वलंत मुद्दा होता है, उस समय का रिसेंट जो रिसेंट परिवेश होता है, रिसेंट जो एक्टिविटी चल रही होती है, उससे रिलेटेड वो थीम दिया जाता है कि इस बार का थीम हम ये रखेंगे, इसको हम अवेयरनेस फैलाएंगे, इसको हम सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आता है, लोग नेशनल सेफ्टी वीक बोलते हैं, NSD, नेशनल सेफ्टी डी को आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं क्योंकि डे और वीक है। तो अब लोग बोलते हैं कि सर इसका वीक कब मनाया जाता है, तो इसका कोई थंब रूल नहीं है कि वीक कब मनाया जाएगा, हाँ, लेकिन इसका डे है 4 मार्च के लिए। कई कंपनियां क्या करती हैं कि स्टार्ट तो करती हैं पहले और समापन करती हैं 4 मार्च को। कई कंपनियां क्या करती हैं, स्टार्ट कर देती हैं पहले ही और उसका जो फिनिशिंग होता है, वो जो एंड डे होता है, वो 4 मार्च को करती हैं। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि जो भी प्रोग्राम वो अपना कंडक्ट करती हैं, वो स्टार्ट करती हैं 4 मार्च से, ठीक है, 4 मार्च से स्टार्ट करती हैं और एंड अपने कन्वीनियंट के अनुसार करती हैं। तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल कभी आपको ये नहीं बताता है कि आप नेशनल सेफ्टी वीक कब स्टार्ट करें और कब उसका समापन करें, वो अपने कन्वीनियंट के अनुसार कंपनियां करती हैं। तो ये है नेशनल सेफ्टी वीक और नेशनल सेफ्टी डे का थोड़ा हिस्ट्री, जो आपको बताना जरूरी था क्योंकि हम 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे फिर सेलिब्रेट करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।